हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, मोबाइल फोन की दुनिया में एक ऐसा फोन लॉन्च किया जा रहा है मिड रेंज में, जो कि ऐसी कमाल की स्पेसिफिकेशन जो है वो अब तक हमें इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिली। तो जी दोस्तों, तो मैं बात करने वाला हूं ओप्पो के ब्रांड रियलमी 3 प्रो के बारे में। तो ये पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, इसकी लॉन्चिंग डेट भी बताएंगे। दोस्तों, जैसे इंडिया में शाओमी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है मिड रेंज एंड बजट में, तो यहां पर पाकिस्तान में भी शायद हो सकता है कि रियलमी जो है अपना कब्जा जमा जाए, लेकिन काफी मुश्किल है। अगर ऐसी स्पेसिफिकेशन आ गई, लोगों को समझ आ गया, तो ये शायद रियलमी जो है वो कमाल कर देगा। रियलमी 3 प्रो जो है वो इंडिया में बजट रेंज में आया, यहां मिड रेंज में आएगा टैक्सेस की वजह से। तो रियलमी 3 प्रो में क्या वाकई ऐसी स्पेसिफिकेशन है, क्या ये वाकई धमाकेदार एंट्री करने वाला है, इसी बारे में बात करने वाले हैं आज। इस वीडियो को देखिएगा कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से मिलती रहेंगी। सो टेक वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन्स की प्राइस की। तो इंडिया में दो डिवाइसेस लॉन्च किए गए हैं, 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो पाकिस्तान में देखेंगे कौन सा वेरिएंट लॉन्च किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो डिवाइस लॉन्च किया जाएगा वो जो है इसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 33,000, जो कि मैं समझता हूं अगर डबल भी प्राइस कर दी जाए करेंसी का डिफरेंस अगर इंडिया और पाकिस्तान का, तो यहां पर फिर भी थोड़ी सी ज्यादा प्राइस है। लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन अगर आप सुनेंगे तो ये 33,000 आपको कम लगेंगे। यहां पर लॉन्चिंग डेट जो है वो आपको एंड में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे कमाल की जो बात इस फोन में दी गई है वो इसमें एक पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 710 का, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जो कि दूसरे फोन्स में आपको देखने को मिला। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेसर दिया गया है इसमें, जिसमें आप हैवी गेम्स इजीली प्ले कर सकते हैं, कोई भी हैवी वर्क कर सकते हैं। मुझे काफी इंप्रेस किया इस डिवाइस ने। और उसके साथ आपको 4000 एमएच की बड़ी बैटरी भी मिलती है। बड़ी बैटरी के साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, वूक चार्जिंग। तो ये फोन आएगा एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ, और ओप्पो का जो न्यू सॉफ्टवेयर दिया गया है इसमें रन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कलर ओएस 6 के साथ। कलर ओएस 6 इसमें अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया, तो क्या ही बात है, फिर तो ये फोन किसी को टिकने ही नहीं देगा। डिस्प्ले की अगर बात कर ली जाए तो डिस्प्ले इसमें आईपीएस जरूर दिया गया है, लेकिन फुल एचडी प्लस हमें डिस्प्ले मिलेगा 6.3 इंचेस का। लेकिन दोस्तों, ये साथ साथ खूबसूरत डिवाइस नहीं, और इसमें प्रोसेसर सिर्फ अच्छा नहीं दिया गया, इसमें प्रोटेक्शन भी अच्छी दी गई। इसमें जो ग्लास लगाया गया फ्रंट साइड पर वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है, जो कि F11 प्रो में हमें मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। स्क्रैच के चांसेस आपको इसमें कम मिलेंगे, एंड जो है आपका फोन अगर गिर जाए तो जल्दी से टूटेगा नहीं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 जो है वो काफी ड्यूरेबल सा ग्लास दिया गया है, लुक वाइज एंड डिजाइन वाइज आपको काफी अच्छा मिलता है ये फोन, और साथ ही आपको प्रोटेक्शन भी काफी अच्छी मिलती है। और फोन नहीं जिसमें ऐसी स्पेसिफिकेशन जो है वो लगाई गई हो। इस फोन के कैमरा की अगर बात की जाए, ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया बैक साइड पर 16+5 मेगापिक्सल का, एंड फर्स्ट कैमरा का जो अपर्चर दिया गया 1.7 दिया गया है, जो आपकी इमेजेस को जो है वो काफी अच्छी बना देता है। आपकी जो फोटोज होने वाली है वो काफी अच्छी क्वालिटी में और काफी वाइड होने वाली है दोस्तों। एंड सेल्फी कैमरा भी इस फोन का काफी अच्छा लगाया गया है 25 मेगापिक्सल का। जैसे ही आपको स्पेसिफिकेशन इस फोन की बताता जा रहा हूं, तो मेरी फीलिंग और ज्यादा बढ़ रही है कि ये फोन जो है अभी मेरे पास आ जाए। इस फोन में फिंगरप्रिंट जो है बैक साइड पर लगाया गया है, एंड फेस आईडी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, लॉन्चिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया में तो ये लॉन्च हो चुका है दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले ही। पाकिस्तान में इसकी लॉन्चिंग जो है वो आफ्टर 1 मंथ जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 1 महीने बाद, 1.5 या 2 महीने तक इसकी जो है लॉन्चिंग काफी लेट कर दी गई है पाकिस्तान में। अभी से ही आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ये फोन जो अगर इस प्राइस में आता है 32,000 में या 33,000 में 4GB एंड 64GB वेरियंट, तो आप जो है आंख बंद करके इस फोन को बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कमाल की स्पेसिफिकेशन है। हमें सिर्फ कंपनी नहीं देखनी, कंपनी चाहे कोई भी हो दोस्तों, कैमरा अच्छा चाहिए हमें, लुक एंड डिजाइन अच्छा चाहिए, एंड उसके बाद बिल्ट इन इस फोन में अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। तो सभी चीजें इस फोन में अवेलेबल हैं। तो इस प्राइस रेंज में 33,000 की रेंज में अगर ये फोन पाकिस्तान में आता है
तो आप जरूर इस फोन को जो है बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी जो है इस प्राइस रेंज में इतनी सारी स्पेसिफिकेशन एक साथ दे सकती है। हमें जो है सिर्फ लुक एंड डिजाइन देखकर फोन नहीं पसंद करना चाहिए, हमें जो है सभी स्पेसिफिकेशन फोन में देखनी चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।